हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का स्पोर्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमें दे रखा है, मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ अ क्लास 9 की मैथमेटिक की बुक है कंटेन 15 चैप्टर, जिसमें कि 15 चैप्टर हमें दिखाए गए हैं। अ मैथ टीचर आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट टू राइट द नेम ऑफ ईच चैप्टर ऑन स्लिप। टीचर किसी स्टूडेंट को कहती है कि भाई आप एक पर्ची बनाइए, ठीक है, अलग अलग पर्ची बनाइए जिन पे हर चैप्टर का नाम मेंशन कर दो। वन नेम ऑफ वन स्लिप, यानी कि एक स्लिप पे सिर्फ एक चैप्टर का ही नाम होगा। शी मिक्स द स्लिप थ्रूली इन अ बॉक्स, और वो 15 ऐसी पर्चियाँ बनाएगा जिनमें 15 चैप्टर का नाम लिख के किसी बॉक्स में डाल के अच्छे से मिक्स कर देगा। आगे बोला गया, शी कॉल्ड अ स्टूडेंट टू पिक अप वन ऑफ द स्लिप। वह किसी स्टूडेंट को बुलाती और कहती है भाई आओ इस बॉक्स में से एक पर्ची को निकालो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चैप्टर रिटन ऑन इट इज़ अ फॉर्म, यानी उस चैप्टर जो निकला वो ज्योमेट्री ग्रुप का निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दूसरा सवाल, इसका सेकंड पार्ट है, अगर वो चैप्टर अलजेब्रा का निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारा सवाल है ये। तो यहाँ पर देखो, पर्चियाँ जो लिखी गई हैं वो टोटल स्लिप कितनी होगी, 15 ही होगी, क्योंकि चैप्टर हमारे कितने हैं 15। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल स्लिप कितनी है, 15 है, ठीक है, चैप्टर 15 है, स्लिप भी कितनी होगी, 15 होगी। अब हमारा इवेंट वन है, जो चैप्टर है वो किसका निकल गया आया, ज्योमेट्री का निकल गया, चैप्टर रिटन ऑन इट इज फॉर्म फ्रॉम ज्योमेट्री। अब हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री के अंदर हमारे कौन कौन से लेसन आते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल की हेल्प ली है, इसके अंदर मेंशन किया गया इजीली ज्योमेट्री के अंदर देखो कौन कौन से लेसन आते हैं। हमारा जो हम एनसेट बुक के अंदर आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि 5वां लेसन है, ठीक है, जो ओबीसी में आता है ज्योमेट्री में। लाइन एंड एंगल्स हमारी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। ट्रायंगल हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। एरिया ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। सर्कल्स ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। और कंस्ट्रक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 11 ये भी किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री के टोटल कितने लेसन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि जो स्लिप निकली थी उस स्लिप में इन 7 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर निकला होगा, वो कोई सा भी हो सकता है, मालूम नहीं है। तो ज्योमेट्री का जितना पूरा ग्रुप है, 7 चैप्टर का ग्रुप है, तो पूरे ग्रुप को ही ले लो यहाँ पे। अब हमें बतानी है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल ट्रायल। तो फेवरेबल पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, देन लिखना है फेवरेबल आउटकम 7, टोटल कितना है 15। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/15। फिर सेकंड केस, जो स्लिप निकली वो किसकी निकली, एलजेब्रा की। तो यहाँ लिखते हैं चैप्टर रिटन ऑन इट इज फ्रॉम एलजेब्रा। अब एलजेब्रा के अंदर कितने लेसन आते हैं वो चेक करते हैं। देखो जरा, ये मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे लेसन आता है पॉलिनोमियल, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। ये दोनों लेसन किसके पार्ट है, एलजेब्रा के हैं, क्योंकि जो तीसरा होगा वो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है, सिर्फ एलजेब्रा ही लेना है। तो ये दो लेसन निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा लेसन आया होगा इन दोनों में से कोई एक निकला होगा। तो दो मैंने ले लिया, दोनों का ग्रुप ही ले लिया। प्रोबेबिलिटी बतानी है, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल कितना है 15। तो 2/15 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।